राजधानी जयपुर का जंतर मंतर, जिसको प्राचीन समय में ज्योतिष वैधशाला भी कहा जाता था। इसमें आपको करीब 300 साल पुराने ऐसे ऐसे यंत्र देखने को मिलेंगे जिन्हें आप देखकर दंग रह जाएंगे। इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप तारे भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं जयपुर के जंतर मंतर। अभी इससे पहले हम गए थे द सिटी पैलेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। तो आइए चलते हैं। तो टिकट प्राइस 50 रुपीज़ पर पर्सन है, बच्चों के लिए फ्री एंट्री है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और इसकी टाइमिंग है 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। जंतर मंतर को महाराजा सवाई जय सिंह ने 1724 से बनाना शुरू किया, जो 1734 में बनकर रेडी हो गया था। इसमें 14 प्रकार के यंत्र हैं। तो मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, बारिश वाला, तो देखते हैं बारिश, क्योंकि बूंदाबांदी होने लगी है। तो ये है राज यंत्र, ये अष्ट धातु का बना है और इसमें हम नक्षत्र जान सकते हैं। जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं उनके नाम भी इसमें लिखे गए हैं। तो ये है लघु सम्राट यंत्र। तो इसका आप बड़ा पार्ट जो है वो आगे देखोगे, बड़ा वर्जन। तो ये छोटा है, इसमें भी आप समय देख सकते हो, साथ में ये आपको डायरेक्शन भी बताता है, और इससे आप तारे भी देख सकते हो। मीन्स तारों की डायरेक्शन से आप पता लगा सकते हो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये उस जमाने का कंपास है। तो इस यंत्र का नाम है नाड़ी वलय। ये दो डायरेक्शन में बने हैं, नाड़ी वलय उत्तर वोल और नाड़ी वलय दक्षिण वोल। ये हेमिस्फीयर क्लॉक है, तो इसके बीच में एक आयरन पिन लगा हुआ है जो सूर्य की दशा को बताता है। और ये दो डायरेक्शन में इसलिए बना है क्योंकि सूर्य 6 मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है और 6 मंथ में सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, इसलिए आपको इसका एक साइड हमेशा छाया में दिखेगा। तो ये है जय प्रकाश यंत्र। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो एक ठोस यंत्र बन जाता है। इनके बीच में है एक आयरन प्लेट जिसके रिफ्रैक्शन से आपको राशियों के बारे में पता चलता है, और साथ ही आप राशि के बारे में जान पाते हैं। ये बताते हैं ग्रहों की दिशा, आधी इन्फॉर्मेशन इससे, आधी इन्फॉर्मेशन इससे। तो आगे अगर हम चलते हैं तो हमें 12 राशियों के यंत्र देखने को मिलेंगे। जो जय प्रकाश यंत्र है उससे इन राशियों के बारे में पता चलता है, जैसे कि कौन सी राशि सूर्य में है, कौन सी चंद्रमा में है, और जैसे बच्चे का जन्म आज हुआ तो आज के दिन के हिसाब से उसकी कौन सी राशि होगी, ये सब इस यंत्र से पता लगता है।
हमारी ये होती है राशि, उसकी दशाएं बता दें अभी कौन सी दिशा में चल रहा है, अभी क्या दिशा में। तो ये आगे आप देख रहे हैं सम्राट यंत्र, जो समय नापने, जो दुनिया के सबसे बड़े पत्थर से बना सूर्य घड़ी है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसकी जो लेफ्ट वाली लेन है वो AM बताती है और इसकी राइट वाली जो ये लाइन है ये PM बताती है, जो आप ये पतली सी सीढ़ियां देख रहे हैं। और ये एकदम सही टाइम बताती है, हो सकता है 1-2 सेकंड आगे पीछे हो, वरना ये एकदम सही टाइम बताती है। तो ये देखिए, ये बताता है टाइम, एकदम परफेक्ट टाइम बताता है। यहाँ नीचे से आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और बहुत काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे इतने पुराने ज़माने में भी हमारी साइंस इतनी आगे निकल चुकी थी और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमने बनाए उस टाइम पे, जो आज के इंस्ट्रूमेंट से भी कहीं ज़्यादा एक्यूरेट हैं। सो अच्छा लगता है देख के, हमें ये सीखना चाहिए कैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं, कैसे काम करता है। ये ऊपर जस्ट हमारे क्या बताता है, टाइम बताता है, एकदम परफेक्ट टाइम बताता है। ये अंदर एक स्क्रीन लगी है जहाँ पे वीडियो फोटो अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारे यंत्रों के बारे में बताया जाता है। तो आ गए हैं हम वहाँ से बाहर, काफ़ी अच्छी वहाँ पे जानकारी थी। तो अगर यंत्र देखने से पहले आप वहाँ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा अच्छी वहाँ पे जानकारियाँ मिलेगी। तो गाइस हम अंदर गए थे, वहाँ वो व्याख्या समझाते हैं कुछ मतलब, तो उन दोनों ने वहाँ इतनी बदतमीज दिखाई, एक नींद पूरी कर रहा और दूसरा वहाँ लगा हुआ जय माता की, जय माता की बोलने में मतलब हद हो गई इन दोनों के लिए। इन दोनों ने मुझे भयंकर तंग कर दिया था वहाँ, तब तो मुझे लगा कि कपाल ही फूटी मेरी वहाँ जाके। एक तो नींद पूरी करना था ऐसा लग रहा, सबसे आगे वाली रो में बैठ के बताओ यार। यहाँ पे कैफे भी है, सारा सब कुछ देखने के बाद आराम से यहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हैं। अब नींद पूरी करके खा पी के अब मस्त अपना एंजॉय ले रहे हैं दोनों। तो ओके गाइस, बारिश वाला मौसम हो चुका है और हमें जाना है हवा महल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।